स्ट्रेंथ ओपनिंग के साथ ही थी, लेकिन अभी पीछे थोड़ी सी बाइंग भी और आ रही है, और अदानी एंटरप्राइज के स्टॉक में भी आपको मूव दिखी है। क्या बजाज ट्विंस में आप इन लेवल्स पे पोजीशन रेकमेंड करेंगे संतोष? मेरी नज़र बजाज ट्विंस पे ही है। मुझे लगता है जनवरी सीरीज में बजाज ट्विंस आउटफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि आज इंट्राडे मोमेंट के बाद थोड़ा रेजिस्टेंस के आसपास आ गया। बजाज फाइनेंस की बात करें 6700 एक रेजिस्टेंस है, इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत इंट्राडे में कूल ऑफ देखने को मिले, लेकिन 6700 के ऊपर जैसे ही निकलता है हमको हो सकता है इस सीरीज में 7000 तक के भी लेवल देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों पर ही नज़र रखना चाहिए, दोनों आउटफॉर्म कर सकते हैं इस सीरीज में, ट्विंस में नजर आ सकती है। इस बीच एनसीसी नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी के स्टॉक को देखें, अच्छे मूव्स यहां पर दिखेंगे। सेकंड हाफ ऑफ FY23 में करीब 20% रेवेन्यू ग्रोथ के टारगेट्स भी बनाए हैं कंपनी ने, 3% के अप मूव्स संतोष, 84 के लेवल्स आज स्टॉक में तेजी 82 से शुरू हुई और ये इंटैक्ट है। ओवरऑल इंफ्रा थिंग फोकस में है और 2022 में इंफ्रा कैपिटल गुड्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इंफ्रा ने इतना परफॉर्म नहीं किया। मुझे लगता है 23 में ये थीम कैचअप करते नजर आएगी। और एनसीसी का चार्ट स्ट्रक्चर बात करें तो काफ़ी अच्छा है, 78 का सपोर्ट से बाउंस बैक किया है, अभी 84 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करते नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है इस पर मोमेंटम और आगे बढ़ सकता है। इमीडिएटली 92-94 के टारगेट नजर आते हैं और हो सकता है स्टॉक आपको 3 डिजिट में भी दिखे आने वाले समय में। संतोष की तरफ से तो स्टील पैक में उनका पॉजिटिव कन्विक्शन हम देख ही रहे हैं, JSW स्टील सेल जैसे स्टॉक से जहां पर वो पॉजिटिव नजरिया बता रहे हैं, लेकिन नालको एक और स्टॉक जहां पर हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती आज नजर आ रही है स्टील पैक पर, क्या नालको के शेयर में यहां से आपको और तेजी नजर आती है? यस, स्टील के साथ साथ एल्यूमिनियम काउंटर्स में भी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है नालको में, तो कभी जस्ट संतोष ये सवाल सुमित के लिए है। सुमित, नालको शायद सुमित से हमारा संपर्क टूटा है एक बार, क्योंकि संतोष काफी कन्विक्शन दिखा रहे हैं स्टील पैक पर, तो मैं हमारे अन्य टेक्निकल एक्सपर्ट्स का भी नजरिया जानना चाहती हूँ। प्रशांत, आप नालको पर अपना आउटलुक बताएंगे? मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छी मूव इसमें आई, बट जो एक चीज मुझे नजर आ रही है कि जैसे जैसे ये स्टॉक ऊपर आ रहा है उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, जो कि हमेशा मैं थोड़ा सा अलर्ट हो जाता हूँ। दूसरी बात, रेजिस्टेंस के करीब आया है, तो अगर जिनके पास पोजीशन हो, एक गलती हम हमेशा करते हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाएगा, तो पहली बात आपको करनी होगी, अभी ये करीबन 81 के लेवल में चल रहा है, आप 79 पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ला के रख दो ताकि कोई रिवर्सल आए तो प्रॉफिट बुक हो जाए। आपको फ्रेश पोजीशन कहाँ लेनी होगी, तो इसको आज 83 के ऊपर क्लोज होने दो, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ आज की क्लोजिंग मंथली क्लोजिंग होगी जो कि बहुत अहम होती है, और 83 के ऊपर क्लोज हो जाए तो आप इसको बिल्कुल सोमवार के दिन खरीद सकते हो, आपका स्टॉप लॉस होगा 77 का और आप टारगेट रख सकते हो वहां से करीबन 90 का। ठीक है, एक पॉइंट जो सुबह संतोष हमको